हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारा अभी हमारा हो जाता ये लगता है। तो हमारे प्रोडक्ट्स आ गए। हाय गाइस, अभी हमारा ट्रैवल प्लान हो रहा है, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं उसकी। अभी 50-50% डिसाइडेड है कहाँ जाना है। हमारी यात्रा शुरू हो गई है, हम नासिक की ओर निकल गए हैं और हम ये रूट लेंगे यहाँ से धारवाड़, फिर धारवाड़ से पुणे, पुणे से नासिक, और ये क्लोज टू 1168 और क्लोज टू 1200 किलोमीटर है, और हमें लग जाएंगे कुछ 18 आवर्स। हम सुबह ही निकल गए हैं, अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock, और मुझको लगता है जहाँ तक हम लोग को पहुँचते पहुँचते 10 से 11 बजे बज जाएंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि हमें धारवाड़ से होते हुए गुजरेंगे, और सुना यहाँ पर धारवाड़ का पेड़ा बहुत फेमस है, तो अगर कहीं पर शॉप मिलेगी तो वहाँ पर जाके रुक के ले लेंगे। और अभी इस समय तो बारिश तो नहीं हो रही है, बट फोरकास्ट देखे थे आगे का, तो रास्ते में दिखा रहा था कि बहुत सारी जगहों पर हमें बारिश मिलेगी, तो देखते हैं कैसा होता है। बट अच्छा लगेगा अगर बारिश मिल जाएगी तो सफ़र अच्छा कटेगा। फाइनली हमें बारिश मिली गई और मौसम बहुत सही है, रोड बहुत अच्छे हैं, और हमें अभी जब से बैंगलोर से स्टार्ट किए हैं अभी तक का रोड बहुत सही लगा। आप यहाँ पर 100-120 किलोमीटर मिनिमम मेंटेन कर सकते हैं, और रास्ते में हमें अमर ढाबा मिला, बहुत ही स्पेशियस है, और रिफ्रेशमेंट के लिए आप रुक सकते हैं। किलोमीटर्स लगेंगे पहुंचने में, उसके बाद आई थिंक वी हैव अराउंड अनदर 220 किलोमीटर हमें फिर नासिक के लिए लगेगा। फिर अभी मौसम बहुत सही है, वी आर एंजॉइंग दिस क्लाइमेट एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड एक्चुअली, सो सी द सीन। आई मीन आप कभी महाराष्ट्र अगर घूमने का प्लान बना रहे हैं, जैसे पुणे, नासिक, ये सब जगह, तो आप इस सीज़न में आ सकते हैं, क्लाइमेट बहुत सही होता है यहाँ पर। पुणे हाईवे पे हैं,
हूँ।